हेलो दोस्तों, अगर आपके भी इन्वर्टर में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जिस बोर्ड से भी इन्वर्टर को इनपुट दे रहे हैं उस बोर्ड का फ्यूज बार बार उड़ जाए या फिर इससे संबंधित एमसीबी जो है वो बार बार गिर जाए, तो फिर आपको कैसे प्रॉब्लम फाइंड करना है कि कहाँ से प्रॉब्लम है। और वहीं पे भी जब भी आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर ऑन करते हैं तो इन्वर्टर जो बैटरी चार्ज है उसकी सप्लाई आपके घर तक जा रही है, ठीक है, लेकिन जब लाइट आ रहा है, ठीक है, तो उसका सप्लाई घर में एक तो सप्लाई नहीं जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि बार बार एमसीबी गिर जा रहा है, बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं ये जानबूझ के प्लग को खुला रखा हूँ टॉप को, ताकि आपको दिख सके कि मैंने जो ये होल्डर लगाया है सीरीज में लगाया है, ठीक है। सीरीज में इसलिए कर दिया हूँ कि ये फुल शॉर्टिंग है और शॉर्टिंग की वजह से यहाँ का सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आप सप्लाई कट करके अच्छे से लगाएं इसको, ठीक है। जैसे मैंने सप्लाई दिया, देखिए फुल इंटेंसिटी के साथ बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब फुल इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, एकदम तेज जल रहा है, और यहाँ पे मेंस ऑन भी नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लगाया होता तो फिर मेरे ही इस बोर्ड का जो एमसीबी है जहाँ कनेक्ट है वो एमसीबी फिर से डाउन हो जाता, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आप एकदम गौर से देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से मैं बताऊंगा और आप खुद से कर पाएंगे, फ्री में कर पाएंगे, ठीक है। मैं सप्लाई दे के ही काम करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सप्लाई हटा के काम करना है, ठीक है। देखिए अभी क्या है, बल्ब पूरा इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, ठीक है, लेकिन पैरेलल में यहाँ पे एक देखिए एमओवी लगा हुआ है, ठीक है, एक एमओवी लगा होता है पैरेलल में, ठीक है, जो वायर बाहर से आ रहा है, ठीक है, एक आया आपको देखिए, एक यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से फ्यूज की मदद से यहाँ गया, ठीक है, और न्यूट्रल जो है यहाँ गया, जो कॉमन में यहाँ गया, और वहीं से एक यहाँ आया, इसका मतलब जो आपका तार आ रहा है, ठीक है, वो एक तो यहाँ फ्यूज से होकर इसके एक लेग में गया और दूसरा न्यूट्रल डायरेक्ट इसके लेग में आ रहा है, यानी फेज और न्यूट्रल दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, जिस कारण से आपका जो सीरीज बल्ब है वो फुल इंटेंसिटी के साथ पूरी तीव्रता से जल रहा है। अब मैं जैसे ही इसका कनेक्शन हटाऊंगा तो देखिएगा बल्ब लो हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ से इसको कट रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने काटा, ठीक है, आपका बल्ब भी जल गया, यहाँ पे मेन ऑन भी आ गया, ठीक है, देखिए ये बल्ब जल गया, वो बल्ब बिल्कुल धीरे जलने लगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है। तो ये एमओवी जो है वो शॉर्ट हो जाने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मैं अभी प्लग निकाल रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको एमओवी कौन सा लगाना है, ठीक है। मैंने टॉप का कवर इसलिए नहीं लगाया था ताकि आपको दिख सके कि वो सीरीज में है, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो इसको आयरन की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हल्का सा डैमेज दिख रहा है, अब क्या है, अब मैं इसको पूरा खोल रहा हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो आप इसको ब्लेड या सीजर के माध्यम से इसको आप काटे काटे या फिर इसको हीट करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये मूवी जो है बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिना इसके भी आपका काम करेगा, ठीक है, इन्वर्टर, लेकिन आपको बिना इसके नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, एक एमओवी लगा ही देना है, 250 वोल्ट का एमओवी लगता है यहाँ पे, ठीक है। एक एमओवी आता है जो छोटा रहता है एलईडी बल्ब में होता है, एक बड़ा आता है जो ये इन्वर्टर में लगा होता है, टीवी में लगा होता है, ठीक है। तो वो एमओवी आप लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं दूसरा एमओवी खोज के लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। 250 वोल्ट का दूसरा एमओवी मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए, आप एमओवी एलईडी बल्ब में भी देखते होंगे, लेकिन वो थोड़ा छोटा होता होगा और ये इसका जो टॉलरेंस है उससे बेहतर है, ठीक है। तो आप 250 वोल्ट का कोई भी एमओवी लगा देंगे तो आपका यहाँ पे वही काम करेगा, ठीक है। तो लगाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ का भी कवर हटा लेना है या फिर आप यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक यहाँ, ठीक है, एक लेग यहाँ और एक यहाँ पे कनेक्शन कर देना है आपको, ठीक है। और सोल्डिंग करना है आपको, क्या काफ़ी मजबूती से सोल्डिंग करना है ताकि खुद से ये कभी डिसकनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। इसे सोल्डिंग हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक कोई भी स्लीव आप डाल दीजिए, थोड़ा सा आप और पतला ले सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है तो, नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसे ही कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देना ऐसे, ठीक है,
और इसी में आपको अच्छे से बारीकी से सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद स्लिप को आप इस एक्स्ट्रा लेग को काट भी सकते हैं या फिर ऐसे ही अंदर डाल दीजिए। ठीक है, यह हो गया। अब मैं आपको एक बार फिर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि सप्लाई देने से सीरीज बॉल धीरे चल रहा है या तेज। स्विच ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, आप कोई भी काम करें केयर से करें। देखिए अभी धीरे धीरे हो गया, ये सप्लाई जा चुकी है। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, मेंस भी आपका ऑन हो गया और जैसे ही चार्जिंग ऑन हुआ, ठीक है, सीरीज लैंप भी जलने लगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया हो। छोटा पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था और आप इस वीडियो की मदद से अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। वरना टेक्नीशियन के पास रिपेयर करने आपको जाएंगे तो आपको अच्छे खासे चार्ज पे करने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना समय बचा सकते हैं खुद से करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा सपोर्ट करें और कोई भी कन्फ्यूज़न या सुझाव है तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैं हमेशा से आपके सुझाव का इंतज़ार करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।